हे देयर पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और अपनी आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये आपकी मंथ ऑफ मार्च की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं मार्च में आपके लिए पाइसेस। थ्री ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वांड्स। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए इंतज़ार में हैं, कोई कमिटमेंट है जो कि बहुत डिलेज में है। आप हो सकता है इस कमिटमेंट का ही वेट कर रहे हो, लेकिन अब आपको लगता है कि आपका वेट ओवर हो रहा है और आपको कमिटमेंट मिल रही है, ऐसे कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। ओके पाइसेस, शेयर माई वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया अकाउंट, ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपसे रेजोनेट करती हैं या आपके लिए हेल्पफुल हैं कहीं ना कहीं। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए इन मंथ ऑफ मार्च में। पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ मार्च। सोर्स, कोई इंडिसीजन है जो नहीं लिया जा सक रहा, जो आप नहीं ले पा रहे, कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको बनाना है पाइसेस। सीक्रेटली आप अपने दिल में कोई ऐसी चीज़ रखते हैं और आप उसके हवाले से कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, और ये आपके अपने ही अंदर है, यानी आप लोगों को ये बताना नहीं चाहते कि आप इनडिसाइसिव हैं किसी हवाले से, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशन से कह रही हैं कि आप अभी कोई डिसीजन ना लें। तो ये डिसीजन बहुत जो अर्ली हो जाएगा अगर आपकी, अगर आपने अभी लिया। ओके पाइसेस, देखते हैं कि बाकी क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वन, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप, नाइट ऑफ वांड्स and ten of swords and emperor. Okay, Pisces, यहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि आप बहुत ज़्यादा, आप किसी चीज़ का, किसी कम्युनिकेशन का आप इस्पायर कर रहे हैं, आपकी नज़र है किसी पे, आप किसी को देख रहे हैं, आप चाहते हैं उस पर्सन को बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को दूर से देख रहे हैं और वो आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके पास आए या आपसे कम्युनिकेट करे, या सोशल मीडिया पे आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है वाइसेस। और लेकिन आपकी नेक, आपकी रीसेंट पास में जो है वो एट ऑफ सोर्ड है, तो आप उस पर्सन को, मतलब उस पर्सन के आप उन थॉट्स में हैं जो कि नेगेटिव है। हो सकता है इस पर्सन के हवाले से आपको कोई नेगेटिव थॉट हो और आप उस पर्सन को स्पाई कर रहे हो कुछ क्लैरिटी लेने के लिए, कि जो भी आपके जहन में नेगेटिविटी है उसको दूर करना चाहते हो। लेकिन आप, हो सकता है आप बॉन्ड में हो या फिर आप किसी पर्सन के को दूर से देख रहे हैं, उस पर आपकी नज़र है, आप समझते हैं कि वो पर्सन आपके पास आ जाएगा, तो ये आपने अपने अंदर ये ख्याल पैदा कर लिया है कि वो पर्सन आपके पास दोबारा आएगा और आप उसको स्पाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने ख़ुद ख्याली की हुई है, लाइक ख़ुद से ही ये बातें बनाई हुई हैं अपने माइंड में। आपके करंट प्लेन या मिड मंथ में आप जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में होंगे, या फिर अगर आप मेल हैं तो आप किसी फीमेल अर्थ साइंस से डील कर रहे हो इन मिडल ऑफ द मंथ, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा नर्चर्ड और ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे इन मिडल ऑफ द मंथ में। हो सकता है कोई स्टेबिलिटी ऑफर हो आपको, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी स्टेबिलिटी को, आप अपनी स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं
कि ये पर्सन जिसको आप इंस्पायर कर रहे हैं वो आपके पास आए और आप एक नया पैशन इग्निट कर रहे हैं अपने माइंड में उस पर्सन के लिए जिसका आप वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको याद हो जब मैं शफल कर रही थी तो 3 of Wands आया था, ये लाइक आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में किसी पर्सन के लिए हैं और आप एक नया पैशन इग्निट कर रहे हैं उस पर्सन के लिए। हो सकता है एक न्यू पैशन बिगनिंग आपके अंदर हो, विद इन योर सेल्फ हो यू, और आप इस चीज़ को इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हैं, बहुत शिद्दत से चाह रहे हो कि ये स्टेबिलिटी, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, लेकिन मुझे वो वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे आप एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ गुजारना चाहते हैं, या फिर आप अपनी अबंडेंट को, सेल्फ सफिशिएंसी को, हो सकता है कोई सेल्फ सफिशिएंसी आपके हाथ आए, कोई ऐसी अबंडेंट जिसके बाद आप अपनी सिंगल लाइफ को इंजॉय करें। लाइक आपके सेल्फ में 8 of Cups है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन है और आप जो है वॉकआउट करना चाहते हैं इस चीज़ से, इस इन नेगेटिव थॉट्स से, और जो भी बॉन्डेज है इससे आप वॉकआउट करना चाहते हैं। और आपके सराउंड में जो भी पर्सन है, हो सकता वो पर्सन जो है वो एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी जिसको आप इंस्पायर करें, या फिर जो पर्सन हो सकते हैं ये कोई और पर्सन हो जो आपको इंस्पायर कर रहा हो और आप बॉन्ड महसूस करते हो इस पर्सन से बात करने से, अपने आप को रोक रहे हो और आपको लगता होगा ये एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी, और हो भी सकता है कि ये एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी हो। आपके फेयर्स हैं कि अगर आप इस पर्सन से दोबारा से कोई डीलिंग करेंगे या टॉकिंग करेंगे, कोई बातचीत करेंगे, तो आपको दोबारा से इस 10 of Swords का सामना करना पड़ेगा और इसलिए आप अब सिंगल ही रहना चाहते हैं। पाइसेस, आप इस पर्सन से वॉकआउट हो चुके हैं लेकिन आप अपनी माइंड में एक पैशन इग्निट कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। आपकी का जो आउटकम है वो है एम्परर। आप जो हैं इस पर्सन के लिए एक एम्परर के तौर पे हैं, लाइक हो सकता है कोई फादर फिगर जो है वो प्रोमिनेंट हो और इस पर्सन से आपको दूर रखने की कोशिश करें, या फिर यह आपका अपना ही बॉसी एटीट्यूड है जो कि आप एक एम्परर के तौर पर अपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेंगे और अपनी सिंगल लाइफ को इन्जॉय करेंगे। आप कहेंगे कोई प्लेयर पर्सन, कोई इमेच्योर सोच रखने वाला नॉन सीरियस पर्सन के होने से सिंगल होना बेहतर है, तो ऐसी सोच आपकी होगी। आप इनडिसाइसिव इसीलिए हैं, आपके गट्स कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन के लिए अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, अगर आपको लगता है कि ये आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।